चाची छोटी भाभी छोटी भाभी चाची चाची उठे उठे आपका बेटा पागल हो गया है। हाय मेरे रब्बा, कौन लड़का पागल हो गया मुझ पर? आप पे कोई लड़का पागल नहीं हो गया, आपका अपना जाती लड़का लंदन से पागल हो गया है। Oh my God, की कह रहे हैं तू? डोंट डू दिस टाइप ऑफ मजाक। अब जरा फासले से रहिएगा, काट भी सकता है वो। कौन कट सकता है? आलियान है? मेरा बच्चा है या ज़ॉम्बी? चाची अभी तो दूसरा ऑप्शन ना ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाय हाय मैं मर गई। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय मेरे बच्चे ज़ॉम्बी। Who change my child's नस्ल? चाची आप एक दफा चल के तो देख लें। नहीं मैं नहीं देख सकती, मेरी तबीयत तो पहले ही खराब है, और मैं अगर जब कोई नजारा देख लिया ना तो मैं तो गिर के बेहोशी हो जावांगी। नहीं नहीं रबीका नो मेरे को छड़ जा मेरे को भैया, और जो तो मेरा बच्चा ठीक हो जाए ना तो मैनू बुला लें फिर। जा मुमकिन नहीं हैगा। हैं एक ही सुल्तान रही सी। हाय मेरा बच्चा, हाय ज़ॉम्बी। चाची फिकर ना करे। आय हाय हाय बिस्मिल्लाह, मैं सक्के में वारी मेरी जान। चलो अंदर चलो। अंदर कहाँ? मेरी तुझसे कोई जंग नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा जो इख्तलाफ है वो तुम्हारी अम्मा से। चल अंदर, मैं जरा दिमाग की सिकाई कर दूं। दिमाग की सिकाई तो कब से हो रही है मेरी, बस अब धुआं निकलना बाकी है। अच्छा तो निकाल दो धुआं। हाँ एक मिनट सेफ्टी कर लूं जरा। हाँ निकाल दो धुआं, सारा दिमाग खाली कर लेना अपना। अच्छा क्या कह रही है ये आप? देखे मुझे गुस्सा मत दिलाए। इसे नीचे रखो। हाँ मैं प्यार से पेश आ रही हूँ और तू आपे से बाहर हुए चला जा रहा है, क्यों? मैं फरखंदा जी के कहने पे यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे उनका डरना होता ना तो कब का भाग जाता इस पागल खाने से। अरे नहीं नहीं फरखंदा के नहीं, शबाना के कहने पर आए हो तुम। कमाल है, बहुत ही फनी बच्चे हो तुम, अपनी माँ का नाम भूल गए हो हैं? फरखंदा तेरी फुप्पो का नाम है बेटे। अरे भाड़ में गई फुप्पो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरखंदा जी मुझे बचा लो। बात सुनो, इतनी सीधी नहीं है फरखंदा कि एक दफा के इंशाल्लाह पर ऊपर पहुंच जाए। चलो चल मेरे साथ। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, चल मैं बच्चा। अरे बचाओ, आ जाओ जरा दिमाग की सिकाई करूं। भैया बुलाओ जरा इसकी अम्मा को और बताओ कि इन्होंने पागलपन में अपनी अम्मा ही बदल दी है। अरे फरखंदा फरखंदा नाम बता रहा है माँ का। इसका मतलब इसकी नस्ल वाकई बदल गई है। छोटी भाभी भी इससे मिलने को तैयार नहीं। हाँ सुन लिया तुमने, अरे तुम्हारी जो पर्सनल अम्मी है बिल्कुल जाती, वो भी तुझसे नहीं मिलना चाहती। वो तो मैंने उनकी पसंद के खिलाफ शादी कर ली थी ना, इसलिए थोड़ी सी नाराज है। क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ कर ली। तो तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ होगी, जहन्नुम में जाओ तुम। अरे मैं क्यों जहन्नुम में जाऊँ, आज ही तो कल अम्मा को मना लूंगा और बेगम को घर ले जाऊंगा। वैसे एक बात बताएं, मेरी अम्मा और मेरी शादी से आप सब लोगों को क्या तकलीफ है? हमारा क्या लेना देना तुम्हारी और तुम्हारी माँ से है? हमारे लिए तो और अच्छा है कि उस जादूगरनी से तेरे ताल्लुकात खत्म हो जाए। ये जादूगरनी किसको कहा तुमने? तुम्हारी वालदा को कहा है, तुम्हारी बेगम को। देखें ये मेरे ना घरेलू मामले में ना आप लोग दखल अंदाजी मत करें, बस जल्दी से अपना वो बिजली का काम करवाएं ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और फरखंदा जी को रिपोर्ट कर सकूँ ताकि वो सुबह यहाँ आ सके। क्या क्या तू फरखंदा बाजी का भेजा हुआ इलेक्ट्रीशियन है? हाँ और क्या। तुम आर्यन नहीं हो? अरे मैं कोई आर्यन वालियान नहीं हूँ। अब तुम इलेक्ट्रीशियन नहीं हो तो वो कौन है जो सुबह से आया हुआ? जो सुबह आया था वो आलियान है। तो तुम हो आलियान? हाँ जी गलती से। काहे को नहीं बता रहे भाई तुम इलेक्ट्रिशियन नहीं होता? माफ कीजिएगा, हाँ बताते क्यों नहीं तुम? आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन बना दिया तो मैं बन गया। अब तक तो घर के कोई चार स्विच और प्लग मैं ठीक कर चुका हूँ। मतलब अगर इसने बिजली का काम कर दिया है तो मेरी छुट्टी, मैं जाऊँ ना? तू अब यहाँ से कट ले भैया,
तू कट ले यहाँ से, नहीं तो नंगे तार से ऐसा करंट लगाऊंगी कि तू याद रखेगी। भैया पता है क्या, मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा लाल मेरा चंदा और ये अकड़े चला जा रहा है, अकड़े चला जा रहा है। जा रहा है या गया? गया, इलेक्ट्रिशियन गया। अम्मी 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 वो चाची जो है ना अलियान का सुन के तीसरी बार भी होश हो गई और अब तो होश में भी नहीं आ रही। क्या है ये, घर है या क्रिकेट मैदान? नौकर है, नीचे बेहोश होता। डॉलर ऊपर है ना भाभी, चलो जाके देखो अब उसे।